नवाया थाना है, प्रदेश के 100 थानों में से वो चुना गया है। और विस्तार से खबर हम आपको दिखाएंगे, पुआया थाने का हुआ प्रमोशन, प्रदेश के 100 थानों में से चुना गया है पुआया थाना। और आपको एक बात और बता दें, इसमें क्या क्या होगा बाखूबी हम आपसे रूबरू भी कराएंगे, लेकिन बताएंगे भी आपको, क्योंकि पुआया थाने को 100 थानों में से चुना गया, जिसको मॉडल थाना बनाया जाएगा, वेट प्रणाली लागू होगी और सीओ पुआया देंगे ट्रेनिंग। और उसके अलावा आपको बता दें कि क्या क्या कर्तव्य होंगे, जिसको पुआया सीओ बताएंगे। और उसके बाद आपको बता दें कि सीओ पुआया जो वीड के अधिकारी होंगे, उन अधिकारियों को कैमरे से लैस होंगे वो, और हर प्रणाली उनको मुहैया की जाएगी। आपको एक बार फिर बता दें कि थाना पुआया को 100 थानों में से चुना गया, जो मॉडल थाना बनाया गया, जिसकी देखरेख, जिसकी कमान होगी सीओ पुआया के हाथ में, जो ट्रेनिंग देंगे बीट बाय बीट को, और बीट के जो अधिकारी होंगे वो कैमरे से लैस होंगे। हम आपको विस्तार से सुनवाएंगे, एसपी ग्रामीण अपर्णा गौतम ने जो बताया। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये है पुआया थाना जिसके अच्छे दिन आ गए, 100 थानों में चुना गया थाना और मॉडल थाना बना पुआया थाना। लेकिन कार्यशैली के साथ साथ जिम्मेदारी भी होगी सबसे अलग। देखिए, जो पुआया थाना है, प्रदेश के 100 थानों में से वो चुना गया है और इसको मॉडल थाना बनाया जा रहा है, बीट प्रणाली को लागू करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट के रूप में यहाँ पे किया जा रहा है। उसी के संबंधित हमने जनसंख्यावार बीट थाने में बांटी है और उन बीट पुलिस अधिकारियों को सीओ पुआया ने ट्रेनिंग दी है और उन्होंने पूरा उनको उनके कर्तव्य जो रहेंगे, जो संशोधित कर्तव्य उनके बताए गए हैं, उसकी ट्रेनिंग सीओ पुआया द्वारा इनको प्रदान की जा रही है और लगातार उनके पर्यवेक्षण में करती मतलब आगे भी जारी रहेगी। और पुआया थाना द्वारा इसमें बीट जो प्रणाली है उसमें 57 बीट हम लोगों ने अभी बनाई है जनसंख्या के हिसाब से, और उन सभी जो बीट आरक्षी, जो बीट पुलिस अधिकारी इसमें बनाए गए हैं, उनको संसाधन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि बॉडी वन कैमरा है हमारे पास, हैंडसेट्स हैं, उनकी बीट बुक्स हैं, तो वो लगातार बीट जो हमारी सूचना का जो एक हमारा एक सिस्टम रहता है उसको सुदृढ़ करने के लिए ये थाना चुना गया है।